हेलो एवरीवन, मीना की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं राजस्थान की गवार की फली। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैंने यहाँ पर 500 ग्राम गवार की फली ले ली है। मैंने यहाँ पर छोटी वाली गवार की फली ली हुई है और इनका आगे पीछे का हिस्सा निकाल लिया है। आप चाहो तो बड़ी वाली भी गवार की फली ले सकती हैं। यहाँ पर मैंने 3 आलू ले लिया है और उसको चॉप्ड कर लिया है। आपको गवार की फली के अंदर आलू पसंद नहीं है तो आप इसकी भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है और कढ़ाई को गर्म होने तक हम वेट करते हैं। यहाँ पर लगभग हमारी कढ़ाई अब गर्म हो चुकी है। कढ़ाई के अंदर डालेंगे हम 3 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल को अब हम गर्म होने देते हैं। आप चाहो तो यहाँ पर कोई सा भी मस्टर्ड ऑयल यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा तेल गर्म हो गया है। अब उसके अंदर डालेंगे हम 1 टेबल स्पून जीरा, 2 पिंच हींग। अब जीरे को चटकने तक भूनेंगे। हमारा यहाँ पर जीरा चटक गया है। अब उसके अंदर डालते हैं हम बारी बारी से गार्लिक, जिंजर, ग्रीन चिली और अनियन। और सबसे लास्ट में डालेंगे हम अनियन। यहाँ पर हमारी अनियन गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब इसके अंदर डालते हैं हम ड्राई मसाले। 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। अब इनको करछी से हम चला देते हैं। हमारे मसाले जले नहीं, इसलिए हम पानी ऐड करते हैं। अब इस मसाले को अच्छे से हम भूनेंगे। मैं लगातार चलाते रहना है इसको, नहीं तो मसाले हमारे जल भी सकते हैं। यहाँ पर मैंने फ्रोजल टमाटर लिया है। आपके पास फ्रेश टमाटर है तो आप वो भी ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो वाला टमाटर। यहाँ पर मसाला हमारा भूनकर तैयार हो गया है और तेजी बाहर निकलने लगा है। हम यहाँ पर डालेंगे सबसे पहले गवार की फली। और इसको अच्छे से हम मसाले के अंदर मिक्स कर देंगे। अब हम डालेंगे आलू। आलू को भी सब्जी के अंदर मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। इसको हम एक प्लेट से ढक देंगे। इसको मीडियम फ्लेम पर हमें पकाना है। इसको हमें 2 से 3 बार बीच बीच में हमें चलाते रहना है। यह सब्जी हमने यहाँ पर चला दी है। अब फिर से हम प्लेट को ढक देंगे। दोबारा से हम जमीन को चलाएंगे। अब हम देखेंगे अपने हाथ से आलू उबल गए हैं कि नहीं। यहाँ पर हमारा आलू उबल चुका है।
अब यहाँ पर हमारी लगभग सब्जी रेडी हो चुकी है। अब उसके अंदर डालते हैं हाफ टेबल स्पून ब्लैक पेपर या गरम मसाला। अब कोरिएंडर लीव्स, यहाँ पर हमने गैस बंद कर दिया है, यहाँ पर हमारी सब्जी रेडी हो चुकी है। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हम अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।